हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2023 से जैसे ही शॉर्ट मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है तो आप सबके YT स्टूडियो में एक अपडेट आया होगा जो आपको नोटिफिकेशन के रूप में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा जैसा आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप में से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स परेशान हो गए हैं कि ये किस तरीके का नोटिफिकेशन है और इसमें लर्न मोर और डिसमिस दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस अपडेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं या लॉन्ग क्रिएटर हैं तब भी आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो YT स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। आपको ये नोटिफिकेशन YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आया होगा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे ही लिखा है ऑल शॉर्ट व्यूज ऑन योर चैनल आर नाउ बीइंग कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट फीड एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम रिवेन्यू शेयरिंग। मतलब आज से अब आपके जो शॉर्ट हैं, जो आपके शॉर्ट फीड में शॉर्ट्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर एड्स आएंगे और उसके थ्रू आप अर्निंग कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आया होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसे डिसमिस कर दिया होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, डिसमिस और लर्न मोर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डिसमिस भी कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो देखनी है क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपने क्या मिस कर दिया इसमें। ठीक है, लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, लर्न मोर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेज इस तरीके से खुलेगा। YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, मतलब शॉर्ट की जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं वो सारी यहाँ पर आपको दे रखी हैं। मैं आपको मेन बता देता हूँ, बाकी आप सारा यहाँ पर पढ़ सकते हैं जाके। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है रिवेन्यू शेयरिंग ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स विल बिगिन ऑन 1 फरवरी 2023। लर्न मोर अबाउट न्यू चेंजेस टू YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। मतलब यहाँ पे लिखा है कि 1 फरवरी 2023 से आपका जो रिवेन्यू है शॉर्ट्स का वो शुरू हो गया है। जो इस पे एड्स के थ्रू अर्निंग होती थी वो शुरू हो गई है और इसमें जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में जो नए चेंजेस हुए हैं वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि 1 फरवरी 2023 से जो मोनेटाइजेशन वाले पार्टनर्स हैं वो पैसे कमा पाएंगे, एड्स चलेंगी उनकी वीडियो के ऊपर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हाट विल यू फाइंड इन दिस आर्टिकल पॉलिसीज दैट अप्लाई टू यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन एड फॉर्मेट एलिजिबल फॉर शॉर्ट रिवेन्यू शेयरिंग हाउ एड रिवेन्यू शेयरिंग वर्क फॉर शॉर्ट्स वेयर टू शी योर शॉर्ट फीड एड रिवेन्यू लर्न मोर अबाउट यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन। मतलब आपको सारी पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पे सब कुछ अच्छा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब एक एक पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे कि आपको किस तरीके की वीडियो डालनी चाहिए। जैसे ये है इन एलिजिबल शॉर्ट व्यूज़, मतलब इस तरीके की अगर वीडियो डालेंगे तो उससे आप कमाई नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है नॉन ओरिजिनल शॉर्ट्स, मतलब आप किसी और के शॉर्ट डाल देंगे कॉपी करके तो वो नहीं चलेंगे, या टीवी शो डाल देंगे या कोई रीअपलोड कर देंगे किसी की वीडियो को जो पहले से यूट्यूब पर डली है आप उसे दोबारा डाल देंगे, तो इस तरीके का कॉन्टेंट पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। या फिर कोई आर्टिकल और फेक न्यूज़ डालेंगे शॉर्ट में सच एज ऑटोमेटेड क्लिक और स्क्रोल बूट्स वगैरह, वो कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड फॉर्मेट्स एलिजिबल फॉर शॉर्ट रिवेन्यू शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐड फॉर्मेट्स के बारे में बताया हुआ है, सारा आप पढ़ सकते हैं ठीक है डिटेल में। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई रिवेन्यू शेयर मोनेटाइजेशन क्रिएटर्स विल कीप 45% आपको रिवेन्यू मिलेगा जो भी आपका शॉर्ट से अर्निंग होगी, और 55 जो है वो यूट्यूब रखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में सब चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे नीचे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको,
यहाँ पे नीचे आएंगे, हाउ विल आई नो इफ़ माई शॉर्ट्स आर अर्निंग एड रिवेन्यू, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी शॉर्ट से अर्निंग हो रही है या नहीं। वट इफ़ आई वॉन्ट टू स्टॉप अर्निंग शॉर्ट एड रिवेन्यू, अगर हम मेरी शॉर्ट से अर्निंग रुक गई तो क्या होगा। तो ये सारा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अर्निंग होगी, आप सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट था जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने डिसमिस कर दिया है तो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। YouTube हेल्प के अंदर जाके आप इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। YouTube शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, अगर आपने डिसमिस कर दिया है, और नहीं किया है तो लर्न मोर पर क्लिक करके आप इन पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ही अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाएँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसके अंदर आपको YouTube शॉर्ट मोनेटाइजेशन की सारी पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको शॉर्ट बनाने में, जब आप शॉर्ट बनाएंगे तो आपको कॉपीराइट की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसकी पॉलिसीज़ को पहले से ही समझ जाएंगे। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।